मुझे तो ये दोनों ठीक लग रही है, हाफ हाफ ही यार, फुल अच्छी लगती है आपको? हे यू ऑल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो चलते चलते इंट्रो पूरा करते हैं। सो वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय व्लॉगिंग चैनल वेयर आई शो यू द बेस्ट वीडियोस क्लिप्स ऑफ माय डेली लाइफ विद इन मिनट्स। जैसा कि मैं अभी लेट हो चुका हूँ, तो सबसे पहले तो निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा नाला है, अगर यहाँ से कोई गिर गया ना तो सही में बिचारे का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो मैं फिलहाल दूसरों के बारे में ना सोचते हुए सबसे पहले खुद यहाँ से निकलता हूँ। हाँ मैं भूल गया अपना टिफिन, दे मुझे याद है मुझे। गेट तो खोलो रास्ते में, लाओ तो मैं भी बड़ा बुलक्कड़ हो गया हूँ। ठीक है ये देखो भैया, चलो भाई अब वापस ऑफिस की ओर चलो। पूरे आधे घंटे लेट हूँ मैं आज ऑफिस के लिए। पता है मुझे मैं लेट हूँ आज, मैं क्या आज टिफिन भूल गया, सबसे पहले फ़ोन भूल गया, फिर वो लेके आया, मुझे याद आया कि यार मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, फ़ोन भूल गया, फिर वो टिफिन भूल गया मैं, लेकिन पुलिस हाँ लेकिन वहाँ से तो मुड़ नहीं सकता जो आया, फिर टिफिन लेके आया। आई नीड स्पेस। ब्लैक एंड व्हाइट रोज की तरह हमारा एक दिन और खत्म होता है। अरे भाई लाइट चालू करा कर। अरे यार भाई चलो आओ भैया, लाइट बंद करके आओ। ओ मेरा हेलमेट। तो अभी मैं और वैभव भैया तो जा रहे हैं जूते लेने, क्योंकि हमें आज के अलावा फिर टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा एक ही गाड़ी पे चलेंगे अलग अलग? अरे वापस आ जाते मुझे छोड़ने यहाँ पे। तो भैया सबसे पहले तो हम इस बाज़ार में शूज़ देखने आते हैं, जहाँ पे बहुत टाइम तक शूज़ देखने के बाद भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे शूज़ थे लेकिन हमें फिर भी पसंद नहीं आए, तो फिर हम वहाँ से फटाफट कट लिया और दूसरी जगह पर आन पड़े। और ये वैभव भैया मुझसे इतने आगे नहीं चल रहे हैं, ये वाइड एंगल लेंस है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मेरे भाइयों और उनकी भाभियों, अभी हम आए हैं इस दुकान पर क्योंकि वैभव भैया को फॉर्मल शूज़ चाहिए थे, लेकिन जैसे ये पता लगता है कि इनके हिसाब के फॉर्मल शूज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बेचारे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और मुझसे व्लॉगिंग बंद करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन मैं तो नकता हूँ, मैं थोड़ा ना कैमरा ऑफ करूँगा। तो वहाँ से उम्मीद ख़त्म होने के बाद हम आ जाते हैं दूसरी दुकान पर, और जैसे ही वैभव भैया ने यहाँ पर भी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग शूज़ की बात करी तो अंकल ने साफ इनकार कर दिया। तो भैया इसके बाद हमारे पास वैसे तो कोई उम्मीद बची नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसी उम्मीद में चल रहे थे कि कोई तो उम्मीदवार आएगा और हमें उसकी थोड़ी सी उम्मीद दे देगा और फिर वो हमसे उम्मीद करेगा कि हम उसकी उम्मीदों पे खड़े उतरे। कोई सेंस है इस बात की? तो भैया अंदर पहुंचने के बाद मुझे एक शू पसंद आया, लेकिन जैसे मैंने उस जूते में अपना पैर डाला उस जूते ने मेरे सामने अपनी अहमियत खो बैठी। ये जूता दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर इसकी कंफर्ट की बात करूँ तो ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ यहाँ पे दो ईंटों पे खड़े होकर अपनी हाइट बढ़ाने आया हूँ। तो शूज तो ले लिए थे, अभी हम आए विशाल मार्ट पे थोड़ी और शॉपिंग करने, सिर्फ हम दो ही हैं आज। तो भैया अभी पूरी सिक्योरिटी के साथ हमारे बैग पे ये चीज़ बांधकर हमें अंदर भेजा जा रहा है। तो भैया हम जैसे अंदर जाते हैं वैभव भैया को एक टी शर्ट पसंद आ जाती है, तो फिर मैं उन्हें समझाता हूँ कि आपने टी शर्ट तो अच्छी चूज़ की है लेकिन ये लेडीज सेक्शन है। तो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँचते हैं, हमें पसंद तो सब कुछ आ रहा था लेकिन फिर भी पसंद कुछ नहीं आ रहा था। हमारे लाइफ में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बाय टू गेट वन फ्री। मुझे तो ये दोनों ठीक लग रही है, हाफ हाफ ही यार, फुल अच्छी लगती है आपको? हीरो लग रहे हो। कर लोगे? क्या बना रहा है यार, कम से कम शांति से कपड़े तो पहने। दिस इज एमएमएस। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है, मुझे हार्ट हो रहा है। सेम डिजाइन वैभव भैया ने बना रखी है हमारे।
विशाल वाले चोर हैं चोर। तो अभी हमारी फाइनली शॉपिंग हो गई है, अच्छे खासे कपड़े खरीद लिए हमने। तो अभी काउंटर पे हमें पता चला कि 2500 की परचेज पे ये हमें 500 का गिफ्ट वाउचर देने वाले हैं। तो वैभव भैया ऊपर जाके कुछ खरीद के आते हैं। मेरा पुत्र भैया, हम तो एक दूसरे का टिफिन खाली नहीं छोड़ते, तो 500 रुपए कैसे छोड़ सकते थे। लो सर, बस इसको लो और हमें जाने दो। ऐसी शॉपिंग की है ना, पूरी दिवाली की शॉपिंग हुई 2500 में। 2000 के जूते भी आए, सब कुछ आ गया उसमें। यही है, कुछ खाने चलना है अब। चलो कुछ खाने चलना है। चलो खाने चलते। क्या खाएंगे भैया, 10:30 बज रही है। ठीक है निकले, 1500 ही बताऊंगा मैं उनको। ठीक है। तो सारी भगदड़ और शॉपिंग करने के बाद अभी मैं घर आ चुका हूँ और शॉपिंग सच में बहुत अच्छी हुई है। एंड शॉपिंग में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है। ये शूज सबसे अच्छा लगा मुझे। एंड इट्स बेस्ट। बजट हमारा ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली बजट में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद ली आज। एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सो इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। एंड आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों में। मैं मिलता हूँ आप सबको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस एंड बाय।